क्यों मिलने के लिए बुलाया है? क्यों बार बार कॉल्स करते हैं? क्योंकि तुम्हें देखना और तुम्हें सुनना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। लेकिन सबका कोई फायदा नहीं है, इट्स यूजलेस। क्यों क्यों नहीं है फायदा? क्योंकि हालात बदल चुके हैं, मैं मैरिड वुमन नाउ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उस दिन हालात मेरे हक में होते तो आज तुम मेरे साथ होती। अब तुम ही बताओ, इस सब में मेरा क्या कसूर है? तो मेरा क्या कसूर? तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन तुम मेरा इंतजार भी तो कर सकती थी, तुमने फौरन साथ से शादी कर ली। हम नहीं मिल सकते, हम नहीं बात कर सकते। साथ को अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया मैं। मैं जानता हूँ ये सब बातें तुम ऊपर ऊपर से कर रही हो, अंदर से अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है रही। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम मेरी एक कॉल पे यहाँ कैसे आ गई? एक कॉल पे नहीं आई, हजार कॉलों के बाद आई। बार बार कॉल करने पे आई हूँ, तंग होने पे आई हूँ, और यहाँ इसलिए आई हूँ कि तुम्हें बता सकूँ कि प्लीज़ ये बात एक्सेप्ट कर लो कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। और अगर तुम सच में मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत करते हो तो प्लीज़ मेरे लिए और मुश्किलें क्रिएट मत करो। लेकिन हम दोस्त हैं माई, इतना हक तो है मेरा। तुम बहुत से हक खो चुके हो। चल रही हूँ। एक सेकंड। हमारा फेवरेट सूप ऑर्डर किया, मैं एटलीस्ट बहुत पी के जाऊँ। कभी कभी इंसान को अपनी फेवरेट चीजें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा होगा।